टीचर्स, मैनेजमेंट, हर व्यक्ति अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी जो अपन उम्मीद करते हैं, जैसा अपन सोचते हैं, वहां तक प्रोग्रेस नहीं हो पाती। कौन से ऐसे कारण हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोग सब कुछ जानते हुए भी ध्यान नहीं रख पाते हैं? हम सब लोग, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, हर व्यक्ति का ये प्रयास रहता है कि बच्चा अच्छा डेवलपमेंट करे, बच्चे में बेटरमेंट आए, बच्चे में अच्छा सुधार आए। उसके बाद भी हम लोग कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं, होना नहीं भी चाहिए, क्योंकि संतुष्ट हो गए तो हम बैठ जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए हमें हमेशा अपने मन में दिल मांगे मोर वाली फीलिंग हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। और किस प्रकार से हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, इसके बारे में हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण ज्ञान रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विशेष ज्ञान, आवश्यक ज्ञान जिसके पास, इनके बारे में, इनका परिचय आपके एक घंटे के संवाद में ये स्वयं आपको दे जाएंगे। मेरा यही अनुरोध है कि आपके क्वेश्चन होने चाहिए खूब। हमारे पास कॉर्डलेस हैं, आपको वहां पर कॉर्डलेस माइक मिलेगा, उससे आप जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप पूछें। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जब आप यहां से क्लास टीचर के पास क्लास में जाएंगे तो आपको एक QR कोड पेपर के ऊपर रहेगा, जिसमें मोबाइल से स्कैन करें और आप अपनी फीडबैक ऑनलाइन दें, ऑफलाइन भी दें वहां फॉर्म के ऊपर, तो हमें पता चले कि आप लोगों ने इस वर्कशॉप के बारे में क्या महसूस किया, कैसा आपको लग रहा है, ताकि इस प्रकार के बहुत सारे और भी वर्कशॉप्स इन लाइन हम लोग रखेंगे। हमने ये निश्चय किया है कि आपके सहयोग के साथ में हमारे क्षेत्र के बच्चों का हर तरह से हम विकास करेंगे। हालांकि आप अखबार में स्टेटस पर बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे कि आप सबके सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से आपकी स्कूल GIS किस तरह से आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, राष्ट्रीय स्तर पर, इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो टीचर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे बच्चों का हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो। मैं ज्यादा चीज इसलिए नहीं बोलूंगा कि कईयों को लगेगा कि सर हम ये तो देखते रहते हैं, आज जो सर आए उनसे बात करवाओ, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज के रिसोर्स पर्सन और आज के विशेष मेहमान, आप लोगों के लिए पूरा अपना सब कुछ संवाद के साथ रखने वाले मिस्टर राजन शर्मा को आपकी तालियों के बीच में जोरदार स्वागत के साथ में आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज। आज हम लोग जिस त्रिवेणी में बैठे हैं, आज ये त्रिवेणी का संगम है। हम लोग जनरली क्या होता है, पेरेंट से मिलकर जाते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, बस पेरेंट टीचर मीटिंग में, और हम लोग शिकायतों का अंबार लगाते हैं। हमें बहुत सारी हमारे रिजर्वेशंस होते हैं, हमारी इस तरह की शिकायतें रहती हैं, कंप्लेंट्स रहती हैं, हमारी ग्रम्बलिंग्स रहती हैं। हम उस माइंडसेट के साथ स्कूल में आते हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप आए हैं। गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतने जागरूक स्कूल है जिसने पेरेंट्स के लिए सेशन का अरेंजमेंट किया और मुझे विशेष तौर पर मेरे प्लेस से बुलवाया। तो गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैंने माइक भी अरेंज किए हैं, तो हम लोग एक डायलॉग करेंगे कि ऐसी अच्छी पेरेंटिंग कैसे हो। एज यू, द टॉपिक इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, की पॉजिटिव पेरेंटिंग। हमारे बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि समटाइम्स हम लोग अपने आप को किस में पाते हैं, एक ऐसे झंझावत में पाते हैं, ऐसे तूफान के बीच में पाते हैं कि उसमें ना तो पीछे जाया जा सकता है ना आगे आया जा सकता है। कई बार हम लोग अपने आप को किंग कर्तव्य मूड पाते हैं कि मेरी परवरिश में कहां कमी रह रही है। सबसे बड़ा जो आज के युग में बच्चों के ऊपर, मतलब हमारा कंट्रोल हम लोग खोते जा रहे हैं। आज का मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर पढ़िए, दैनिक भास्कर, मैंने भी हेडलाइंस देखी उसकी मॉर्निंग में, कि बच्चे नशे की लत में अब मतलब जा रहे हैं। पेरेंटल जो प्रेशर हुआ करता था उसको छोड़कर पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में वो विमुख हो रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि अपने ट्रैक से हट चुके हैं। उन बच्चों को ट्रैक पे कैसे लाया जाए, मैं खुद भी थोड़ा सा, एक सिचुएशन है मेरी टू बी और नॉट टू बी वाली, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किसकी तरफदारी करने के लिए आज मैं बोलूंगा। मेरे सामने अभिभावक बैठे हैं, मेरे सामने टीचर्स बैठे हैं, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। त्रिवेणी मैंने क्यों कहा, त्रिवेणी का संगम, कि जिन के ऊपर तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है।
थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस पॉजिटिव पेरेंटिंग वर्कशॉप। हम लोग कुछ एक डिस्क्लेमर डाला मैंने कि कुछ मेरे ऐसे सेंसिटिव स्टेटमेंट्स होंगे, आप भी अपने अनुभव शेयर करते हुए सकुचाए ना, उनको खुल के बताइए, वो हर परिवार में होता है। हम लोग अगर डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि हमारे पास हमारे ये समस्या है, हमें ये सिम्टम्स हैं, हमें इस तरह की दिक्कतें हैं, तो मुझे लग रहा है वो एक सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये जो ये एजुकेशनल डॉक्टर्स हैं, हमारे जो टीचर्स लोग हैं, मैनेजमेंट है, सिस्टम है, ये एजुकेशनल डॉक्टर हैं, इनके बता जरूर लूंगी। वो मैं साइंस की किताब यहाँ से वापस ली। क्या समझती है वो अपने आप को? मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। दिया, उसका पाला मुझसे बड़ा है और मैं उससे बदला जरूर लूंगी। वो मेरे पंजे से बच नहीं पाएगी। दिया, ये तुम बस देखती जाओ माँ। बच्चे सिर्फ बड़ों के टीवी प्रोग्राम देखेंगे तो क्या सीखेंगे? डिज्नी किड्स सिर्फ 10 रुपए। डिज्नी से बच छोटा, बच्चे भी उससे चीजें ले रहे हैं। हम लोग, मैं पेरेंट्स से पता करना चाहूंगा कि बच्चे की कौन सी ऐसी समस्या, हम लोग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की सरिता जी ने हमें बताया, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें आप चाहते हैं कि इनमें स्कूल आपकी मदद करे और मेरे बच्चे में इन चीजों में सुधार हो। माइक पास करना बेटा, पीछे पीछे वाले कह रहे हैं सर आपने हमें निग्लेक्ट कर रखा है एजुकेशन की बात। आप बताइए जी सर, सुधार चाहते हैं आप बच्चे में जिसमें स्कूल आपका सहयोग करे, टीचर सहयोग करें। जी गुड मॉर्निंग सर, एवरीबॉडी सर। मोबाइल आज का जो युग है वो डिजिटलाइजेशन का है, तो बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें? बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल फोन एडिक्शन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए। चाहेंगे इसके गुड मॉर्निंग सर, एक हमने नोट किया कि मोबाइल फोन के जंगल में बच्चे फंस चुके हैं, उसका सोल्यूशन भी हमारे पास। जी सर। सर टीचर्स और अभिभावक ना उनका संवाद ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सर सजेशन नोट करिएगा प्लीज कि रेगुलर इंटरवल्स पे हो। बहुत बढ़िया सर। कई हमने अपने बच्चों की परवरिश का आधार किसको बनाया सर? हमने हमारा बच्चा 35 ईयर का है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर बहुत सीनियर है। सर आपने बच्चे की परवरिश शुरू की या जो भी उसके अंदर संस्कार डालने शुरू किए या उसकी कैसी अपब्रिंगिंग है, उसका आधार क्या रखा आपने, फाउंडेशन क्या रखा? को थोड़ा बहुत चलाना बोलना सिखाया मैंने तो। जी स्कूल के बारे में थोड़ा साथ ले जाकर के पढ़ाता था। जी जी वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे उसको फिर बोलना चलना अनुशासन सिखाया। जी फिर स्कूल के अंदर उसको थोड़ा बहुत सीखते सीखते थोड़ा हुआ बड़ा हुआ, खेलकूदी बारे में सिखाया, उसे प्रैक्टिस खूब की, तो करते करते वो खेल में ज्यादा भाग लेता था। ओके, करते करते वो लिखनी भर्ती हो गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने क्या रखा अपने आज रिसोर्सेज है तो हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। दूसरा काम हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी परवरिश में कंपैरिजन कर रहे हैं। हम लोग एक हर परिवार में आपने देखा होगा एक शर्मा जी का बेटा होता है कि उसको देखो। हम लोगों ने अपनी तरफ नहीं देखा, अपने बच्चे की तरफ नहीं देख रहे हैं। अपने मारवाड़ी में भी कहावत होती है कि हमें पैर में बलती हुई नहीं दिखती, पहाड़ पे बलती हुई दिखती है। हम लोग उधर देखते हैं, दूसरों की तरफ कंपैरिजन करते हैं। हमारा जो पर्पस होना चाहिए कि हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, 12 साल बच्चा स्कूल में जाता है और हमारे पास रह रहा है, उसके बाद वो कॉलेज चला जाएगा, तो हम लोग जो उसका एक स्टे है 12 साल का, घर पे जो 18 घंटे रहता है, उसको एक हैप्पी पेरेंटिंग वाला एक हैप्पी होम दे। स्कूल में समस्याएं आती है कि उसको बहुत लंबी ट्रेवल करनी पड़ती है, सर ने बताया, सिलेबस का प्रेशर रहता है, पेरेंट टीचर्स का प्रेशर रहता है, वो 8-8 टीचर्स की मेंटेलिटी को झेलता है बच्चा। अगर हम लोग बच्चे का पक्ष लें तो यहाँ मैंने बताया कि मैं 3 लोगों का हिमायती बनकर यहाँ खड़ा हूँ, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरे पास स्टूडेंट है, मेरी इतना लंबा मेरा अनुभव है, तो बच्चों का भी मैं हिमायती हूँ और टीचर्स क्योंकि मैं टीचिंग कम्युनिटी से आता हूँ। हिमायती का मतलब मैं तीनों का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो जेन्युइन बात होगी वो हम लोग करेंगे। हम लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, ब्लेम हम लोगों ने बच्चों पर डाल दिया।